हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रोन, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है मैकआउट का उन बच्चों के लिए जो मुझे बहुत दिनों से बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे थे। मेरे कमेंट सेक्शन में पर उतना सारा क्वेश्चन के आंसर देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्यू एन ए वीडियो बना देते हैं जो आप लोगों का मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम में, उसके आंसर चलिए एक वीडियो में दे देते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है एक्चुअली, तो वो क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का अंत जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आपको इन डिटेल्स बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देते हैं। मेरे पास यहां पे एक बोर्ड है, मैंने यहां पे पेज में लिख के रखा है हर एक क्वेश्चन, तो चलिए इन डिटेल्स बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर वन जो क्वेश्चन था, व्हाट टू डू इन दिस क्वारंटाइन पीरियड, आपको इस क्वारंटाइन पीरियड में कैसे आपको क्या क्या करना है। देखिए आप इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ कर सकते हैं जो मैंने लिख के रखा है, लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप सीख सकते हैं। अगर आपने सी सीखा है तो इस टाइम में पाइथन सीख सकते हैं, अगर आपने पाइथन सी पता है आपको तो थोड़ा जावा सीखिए, तो ये हो सकता है क्योंकि जावा तो इस थोड़े टाइम में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो जावा जितना हो सके आप सीख सकते हैं, और अगर आपने सी सीखा है तो मैं बोलूँगा पाइथन आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, आप सेम के लिए पहले से प्रिपरेशन रख सकते हैं, तो आप सेम के लिए पढ़ सकते हैं। अदरवाइज और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको ऐप डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं सजेस्ट आपको कर दूंगा कि कहां से आपको करना है। यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्स है जहां से आप ऐप डेवलपमेंट घर बैठे सीख पाएंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, आपको क्वारंटाइन पीरियड में कैसे क्या क्या करना है, तो ये तीन चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकआउट का इवन सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। देखिए मैकआउट का जो इवन सेमेस्टर एग्जाम है वो आपका हो सकता है आफ्टर 31 मई, क्योंकि 31 मई तक आप बोल सकते हैं जो जेई मेन्स है, जो आप बोल सकते हैं नीट एग्जाम है, ये सभी पोस्टपोन हो चुका है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाइटल एग्जाम अगर हम बोल सकते हैं सेंट्रल से कैंसिल किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट में एक नॉर्मल सेमेस्टर आप लोगों का कैंसिल हो ही सकता है। तो मुझे लगता है कैंसिल नहीं होगा, पर आपका 31 मई के बाद हो सकता है आप लोगों का सेमेस्टर, मतलब आप बोल सकते हैं जून महीने में, मेनली जून महीने में आप लोगों का सेमेस्टर होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कैंसर। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या आप लोगों का इवन सेमेस्टर ऑनलाइन होगा। देखिए ये आप लोगों का एक बहुत ही गलत फहमी है, आप लोगों का इवन सेमेस्टर ऑनलाइन होगा। देखिए अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है कि आप लोगों का इवन सेमेस्टर कब होगा, जब आपका अनाउंस किया जाएगा तब समझ आएगा। अगर पोस्टपोन हो उस डेट के बाद तब आपका हो सकता है ऑनलाइन हो, पर ऐसे आप अभी से नहीं बोल पाएंगे कि आप लोगों का ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैकआउट से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है जहां पे बोला गया है कि मैकआउट का इवन सेमेस्टर ऑनलाइन हो सकता है। तो ये सब जो आप बोल सकते हैं र्यूमर्स इधर उधर घूमते हैं, उसमें ज़्यादा आप अपना कान मत दीजिए, आप जो बेसिक नॉलेज है, जो आप बोल सकते हैं रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो समझिए। आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम तभी हो सकता है अगर सिचुएशन और भी ख़राब हो और जून महीने भी आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो पाए, पर मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन उतना ख़राब होगा। आप लोग भी भगवान से आप बोल सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, आप भगवान से बोल सकते हैं कि ऐसा ना हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे आप कीजिए। ये हो गया नंबर थ्री क्वेश्चन। अब चलिए नंबर फोर क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर फोर क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं सेम ना हुआ तो क्या एवरेज मार्क्स मिलेगा। देखिए आप लोगों का सेमिस्टर बोल सकते हैं नहीं होगा, इसका चांस बहुत ही कम है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, तो एवरेज मार्क्स मिल जाने के चांस भी बहुत कम है। तो अगर इस सिचुएशन आया कि आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट ही ना हो पाया और ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया गया मैकआउट की तरफ से, तब हो सकता है आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप बोल सकते हैं एवरेज मार्क्स मिल जाए। अब एवरेज मार्क्स कितना मिल सकता है, एवरेज मार्क्स हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट में आपको 8 मिले, किसी सब्जेक्ट में आपको 8.5 मिले, 9 मिलने का चांस बहुत ही कम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को 8 से 8.5 के बीच में नंबर दे दिया जा सकता है, पर इसका पॉसिबिलिटीज भी बहुत ही कम है। ये हो गया नंबर फोर्थ क्वेश्चन। नंबर फाइव क्वेश्चन में जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल सकते हैं एमसीए के स्टूडेंट हैं, एमबीए का स्टूडेंट है, वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप लोगों का जो ऑड सेमेस्टर है, आप लोगों का बीटेक का बी आप बोल सकते हैं
आर्किटेक्ट का, ये सब का तो रिजल्ट आ गया, तो हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा? तो आप लोगों का जो ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो एक्चुअली आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है 15 अप्रैल के बाद। तो आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इस सिचुएशन को पहले हैंडल करने दीजिए, ये सिचुएशन जब भी अंडर आप बोल सकते हैं कंट्रोल हो जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग पैनिक मत कीजिए, 15 अप्रैल के बाद आप बोल सकते हैं आप लोगों का रिजल्ट आने का सबसे ज्यादा चांस है, उससे पहले भी आ सकता है पर चांस बहुत ही कम है। 15 अप्रैल के बाद आप लोगों का रिजल्ट आने का चांस सबसे ज्यादा है। ये हो गया नंबर 5 क्वेश्चन। अब नंबर 6 क्वेश्चन में है, 2-3 बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपका रूम दिखाइए, क्योंकि इस क्वारंटाइन पीरियड में जो जो यूट्यूबर्स हैं, अदर यूट्यूबर्स अपना रूम दिखा रहे हैं कि कहाँ से वो वीडियो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप भी दिखा सकते हैं, पर उन्होंने ये भी बोला है इट्स योर चॉइस। तो मैंने सोचा कि हाँ चलिए दिखाई देते हैं, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। पर ये मत समझिए कि ये रूम मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है, रूम ठीक ठाक ही है, पर मैंने उतना संभाल के नहीं रखा है, आप लोगों ने अचानक रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए मेरा रूम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा रूम, आप देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे है मेरा डेस्कटॉप, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप ये रहा, इसके बाद यहाँ पे आप मैं बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ये रहा मेरा चेयर, यहाँ पे है मेरा ट्राईपॉड जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, देख सकते हैं ये रहा मेरा ट्राईपॉड, इससे यहाँ पे रखता हूँ इसको यहाँ पे, फिर इजीली यहाँ पे चेयर पे बैठ के ये शूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप कभी कभी मेरा पीछे थीम रहता है, ये है मेरा बुक सेल्फ जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 11-12 का बुक है, नीचे आप देख सकते हैं मेरा कोचिंग सेंटर का स्टडी मटेरियल है। अब किस कोचिंग सेंटर में पढ़ता था वो मत पूछिए, क्योंकि वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये हो गया, यहाँ पे मेरा बुक्स है वगैरह, यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे चेयर, और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, यहाँ पे है मेरा बेड जो कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ, टाइम अनुसार वो यहाँ पे होता है जो भी है, और यहाँ पे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मेरा गिटार, ये कभी कभी बजाता हूँ, जब 11-12 में था तो बहुत बजाता था, 9 से सीख रहा था, 11-12 तक सीखा था, पर अभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी बजा लेता हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ गिटार में, ये रिक्वेस्ट मत करना कि भैया बजा के दिखाओ, उतना अच्छा नहीं हूँ, पर कभी टाइम मिले तो एक दिन बजा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये रहा मेरा गिटार। अब नीचे यहाँ पे और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा मेरा टेबल जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों के लिए कंटेंट लिखता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं कंटेंट लिखता हूँ, ये रहा मेरा डायरी, ये पेन, यहाँ पे कंटेंट रहता है, और यहाँ पे एक वाटर बॉटल है, जब कभी कभी पानी पीना रहता है पी लेता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं कंटेंट लिखता हूँ, और कमेंट भी आप लोगों का चूज़ करता हूँ, यहाँ पे फ़ोन में चेक करके यहाँ पे लिख के रखता हूँ कौन कौन से कमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें वीडियो बनाना है, और जब कंटेंट लिखता हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यहाँ पे डोर पूरा क्लोज रहता है। तो यही है मेरा रूम। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगा तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बाय।